डबल हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। वार्ड नंबर 29 का मामला एसपी ने दी जानकारी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 29 में 1 नवंबर की देर शाम मां बेटी को भारी हथियार से वार कर मौत के घाट उतारने की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी संतोष पिता रामचरण लिल्हारे निवासी ग्राम नैत्रा को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने 4 नवंबर को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता आयोजित कर मामले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के पास से हत्या में उपयोग करने वाला हथौड़ा, मोटरसाइकिल सहित एक सोने की चैन को जब्त किया है। बीएनएन टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। हम लोगों ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, विशेष विजय डाबर के नेतृत्व में, और सीएसपी साहब अंजुल और उनकी पूरी टीम, कोतवाली और देवी ग्रामीण, सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपी को ट्रेस किया है, उसको राउंडअप करके उससे हत्याकारित करने वाला जो औजार, एक हथौड़ा, जो हैवी हथौड़ा था जिससे उसने सर पे वार करके हत्या की थी, उसको भी बरामद किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत ही चैलेंजिंग केस को बहुत कम टाइम में सॉल्व किया। क्या मुख्य कारण आरोपी से जो अभी पूछताछ हुई है, वो आरोपी मुख्यतः आरोपी कि ये मौसी और नानी, ये दो लगते थे, मतलब अपनी सगी मौसी और सगी नानी का हत्या उसने की है। फाइनेंशियल तौर पे आरोपी थोड़ा वीक था, जबकि इसकी मौसी और नानी की माली स्थिति थोड़ी बेहतर थी, और इसके मन में एक ये भी भ्रम था कि इसकी नानी और मौसी के पास काफ़ी पैसे हैं, क्योंकि लंबे समय से एक प्रॉपर्टी केयर टेकर थी। कुछ दिनों पहले इनके घर में एक शादी का भी कार्यक्रम था, तो इसके दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है अभी इनके पास कुछ आभूषण वगैरह पड़े हों। तो जब इसकी मौसी, मतलब कुलवंता जो है, वो जब घर पे नहीं थी, तब ये घर पे आया कुछ काम करने के बहाने, और सबसे पहले अपनी नानी की हत्या की हथौड़ी से मार के। और जब उसी दौरान इसकी मौसी भी पहुंच गई, तो फिर इसने मौसी की भी हत्या कर दी, और प्रयास ये किया कि कुछ अलमारी से कुछ चीज़ों को ले जा के चोरी कर सके। एक सोने की चेन वो लेके भागा था, वो भी हम लोगों ने इसे बरामद कर दिया। सर, एक गराधन होने वाली बात सामने, ये सुनने में ऐसा आया है कि उस क्षेत्र, वहाँ के उस घर के लोगों को मनी ऐसा विश्वास था कि संभवतः तो वहाँ कुछ धन भी गड़ा हुआ हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने आसपास के कुछ कमरों में खुदाई भी करवाई थी। पर उस बात से इस मर्डर का कोई रिलेशन नहीं है, बस ये संभवतः इसके मन में ये बात रही होगी आरोपी के मन में कि हो सकता है इसको और कुछ पैसा वहाँ मिले, जिसका प्राइमरी उद्देश्य अपनी नानी को मार के वो पैसा लेना था। परंतु जब उसकी मौसी ने भी उस पूरे घटनाक्रम को देख लिया, तो इसने दूसरा मर्डर भी कर दिया, और उसके बाद वहाँ से सोने की चेन लेकर भाग गया। ये नशे में था, घटनाकारित करने के वक्त संभवतः नशे में था, और जब हमने इसको राउंड अप भी किया, उस समय भी ये हल्के फुल्के नशे में था। डिटेल पूछताछ के बाद भी इसने बहुत सारे खुलासे किए। क्या क्या सर सामान इनसे बरामद किया? एक सोने की चेन मिली है, जो कि वो मौके से लेके भागा था। हत्याकारित करने वाला एक हथौड़ा, हैवी हथौड़ा है, और जो बाइक जिसने जो प्रयुक्त था, वो बाइक हमने बरामद की है। पूरी टीम हमारे इसमें शानदार काम किया है, सभी को बहुत। पूर्व में कोई रिकॉर्ड सर क्राइम को लेकर? अभी तक हम लोग नहीं देखा है, पर उम्मीद कम है, क्योंकि ये क्राइम इंस्टेंटेनियस क्राइम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे। ठीक है।